दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्काई राइडर इलेक्ट्रिक के यूट्यूब चैनल। तो हर एक वीडियो में मैं आपके लिए एक नई नई तरह तरह की इनोवेटिव गाड़ियाँ लेकर के आता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, जो कि एक इलेक्ट्रिक फूड ट्रक। तो आपको तो पता ही होगा स्काई राइडर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर जैसे गोल्फ कार्ट और बगीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आज हमने बनाया हुआ एक बढ़िया सा थ्री व्हीलर जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करी गई है, और ये बिल्कुल 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ पूरी गाड़ी खड़ी है, बढ़िया बढ़िया सी कलर में है, डुअल टोन में गाड़ी है, स्काई ब्लू में एक्सटीरियर करा गया है और इंटीरियर जो है व्हाइट कलर का हुआ है, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो अगर हम गाड़ी के फ्रंट में से शुरू करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी पहले फूड ट्रक्स में जैसा होता था, एक डिफरेंट टाइप का विंडशील्ड आ रहा है और यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग जो है प्लाज्मा कटिंग होते आ रही है। फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प मिल जाती है, राउंड फुल एलईडी हेडलैम्प रहती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहती है कॉइल स्प्रिंग्स के साथ, यहाँ पे आपको बल्ब वाले इंडिकेटर्स रहते हैं और स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है। नीचे में आपको ड्रम ब्रेकिंग मैकेनिज्म मिल जाती है फ्रंट व्हील पे। तो अगर हम गाड़ी के इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ड्राइवर्स केबिन की बात करूँ, ये अपना पूरा ड्राइवर्स केबिन रह जाता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको बैटरी बॉक्स मिल जाएगी। और ये जो सीट है ये ओपनेबल है, मतलब ये ऐसे खुल जाती है सीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट बिल्कुल ओपनेबल है, आराम से सीट खुल जाती है। और यहाँ पे आपका 48 वोल्ट का लेड एसिड का बैटरी का पैक लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4-12 वोल्ट की लेड एसिड की बैटरियाँ लगी हुई है सीरीज होकर के, और नीचे सारे के सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे आपका गाड़ी का पूरा ड्राइवर्स एरिया है, यहाँ पे ड्राइवर्स एरिया में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस की रीडिंग, स्पीड की रीडिंग, बैटरी वोल्टेज और बैटरी लेवल का इंडिकेशन आ जाता है। और यहाँ पे आपको इग्निशन की ऑन ऑफ बटन या फिर ऑन ऑफ की आ जाती है। फिर इस तरफ आपको यहाँ पे थ्रॉटल मिल जाता है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स का बटन भी आता है, हेडलैम्प ऑन ऑफ का बटन है, ये आपका फ्रंट ब्रेक लीवर आ जाता है। और आपके लेफ्ट साइड पर आपको हॉर्न का बटन मिलता है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स रहते हैं और यहाँ पे आपकी हाई बीम और लो बीम आ जाती है। नीचे में आपको फुट ऑपरेटेड ब्रेक पेडल और आपका पार्किंग लीवर रहता है। अच्छे काफ़ी अच्छे साइज के आपको ORVMs मिल जाते हैं, राउंड वाले ORVMs मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी देते हैं। यहाँ पे सीटिंग का जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, बैक रेस्ट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फूड ट्रक जो है वो ज़्यादा दूर आपको चलाने के लिए पर्पस से बनता नहीं है। मान लीजिए आपको आपके पास वाले खाऊ गली में या फूड कोर्ट में ट्रैवल करना है, तो वो आप मान लो कोई 5-10 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो ये जो गाड़ी है पूरा का पूरा बनाया गया हुआ है फूड बिजनेस में लगे हुए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो फूड का मान लो चाट का ठेला लगाते हैं, पानी पूरी या गुपचुप का ठेला लगाते हैं, या फिर कोई फास्ट फूड है, मोमो का स्टॉल है, इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी बनी हुई है। तो अभी चलिए गाड़ी को एक तरफ से देख लेते हैं। तो ये है गाड़ी का आपका कुकिंग एरिया, यहाँ पे जो है आपको खड़े होकर आपका खाना बनाना है। ये यहाँ पे पूरा अभी एनक्लोज्ड है, ये जो डोर्स लगी हुई है ये गाड़ी बिल्कुल एनक्लोज्ड है। मैं एक बार ही आपको आपका कुकिंग एरिया खोल के बता देता हूँ कितना आसान है इस दुकान को खोलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लॉक्स लगे हुए हैं, इस तरफ एक है और दूसरी तरफ एक है। सिंपली आपको ये ऐसा खोलना है। अगर आप चाहो तो दुकान को, जब मान लीजिए आप दुकान को रात में अपने घर के बाहर रखते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे कुंडी लगा के लॉक भी लगा सकते हैं। अभी हम फिलहाल दुकान को खोल के देख लेते हैं, दुकान को खोलना कितना आसान है। तो ये आपका पूरा ऐसा उठ जाता है और नीचे में आपको यहाँ पे क्लैंप्स आती हैं, तो इन क्लैंप्स को आप ऐसे लगा दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा कुकिंग एरिया रह जाता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेसेस और आपकी कैश गल्ले जिसको बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, यहाँ पे आप गल्ले में अपने पैसे रख सकते हैं। तो ये आपका स्टोरेज एरिया एक्सेस करने का जगह है, तो आप ऐसा यहाँ से भी खोल सकते हैं, इस तरह से भी खोल के आप स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं।
तो अभी मैं आपको कस्टमर का जो कुकिंग कस्टमर का अटेंडिंग एरिया है वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ज़्यादा मेहनत का काम तो है नहीं, तो यहाँ पे भी वैसे ही कस्टमर आपकी कुकिंग एरिया की तरह यहाँ पे भी लॉक लगी हुई है, तो इनको खोलना है बस और ऐसे उठा लेना। तो ये आपका हो गया कस्टमर का एरिया। तो आप चाहे तो आप दोनों तरफ, आप उस तरफ रहे, इस तरफ आपने कस्टमर को अटेंड करें वो भी हो सकता है, या फिर आप चाहे मान लीजिए आपकी दुकान में अभी ज़्यादा भीड़ चल रही है तो आप ये साइड भी खोल सकते हैं। मैं आपको खोल के बता देता हूँ, इस तरफ भी आप देख सकते हैं वैसे ही लॉक से इनको खोल लीजिए, उठा लीजिए। तो वैसे ही आप लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको एक टेबल जैसा दिया गया हुआ जो कि कस्टमर लोग यहाँ पे खाना रख के आ सकते हैं। इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे आपके क्लैंप्स भी आ जाते हैं। तो एक बार गाड़ी को हम चारों ओर से देख लेते हैं, गाड़ी खुलने के बाद कैसी दिखती है। गाड़ी की जो यूएसपी है उसको देखते हैं, तो मैं आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा आपका कुकिंग एरिया, ये है आपका बेसिक सा फूड ट्रक। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा एरिया आपको मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक रैक भी रह जाती है। अभी हमने फिलहाल ये गाड़ी पूरी की पूरी खोली हुई है, तो ये गाड़ी जो है तीन साइड से ओपनेबल है, मतलब तीन साइड से आप गाड़ी को खोल सकते हैं। जिस साइड पर मैं खड़ा हूँ फिलहाल ये आपका कुकिंग एरिया, मेन कुकिंग एरिया रह जाता है, या फिर आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इसी तरफ से कर सकते हो। दूसरी तरफ मेरे ऑपोजिट, ठीक ही ऑपोजिट आपका कस्टमर एरिया रह जाता है, वहाँ पर आपके कस्टमर लोग आके आपको अटेंड कर सकते हैं, और इस तरफ यहाँ पे भी आपको कस्टमर अटेंड करने की जगह मिल जाती है। नीचे में आप देख सकते हैं काफी सारे कस्टमाइजेशन किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर मैं खोलूँ ये लॉक या फिर क्लैंप जिसको बोलते हैं, इसको खोलने पर मेरा अंदर का स्टोरेज का एरिया जो है वो एक्सेसिबल हो जाता है। दोनों ही तरफ मेरे को एवेसर दिए गए हैं, तो मेरा इतना काफी सारा मेरा प्लेटफॉर्म के नीचे जितना जगह रहता है वो सब अपना स्टोरेज के लिए यूज हो सकता है, और यहाँ पे आपको कैश बॉक्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे हमने पहले भी रखा हुआ था, एक साल पहले हमने एक फूड ट्रक की वीडियो डाली हुई थी, वहाँ पे भी हमने बताया हुआ था कि सर जी आप अगर स्काईराइडर से कोई भी फूड ट्रक लेते हो इट इज फुल्ली कस्टमाइजेबल एज पर द कस्टमर। तो अभी भी एक साल के बाद भी हमारे पास वैसा ही फंडा है, आप अगर हमसे फूड ट्रक लेते हो हम आपकी तरह और या फिर आपके लिए आपकी गाड़ी बिल्कुल कस्टमाइज करके देते हैं। तो ये एक ही मॉडल में हमारे पूरे प्रोडक्ट लाइनअप में जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है एज पर द कस्टमर, और कोई गाड़ी आप पैसेंजर ले लो लोडर ले लो उसमें हम ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन करते नहीं हैं। लेकिन फूड ट्रक, क्योंकि हम लोग जानते हैं फूड बिजनेस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सारे तामझाम सहने पड़ते हैं, तो उस सब की आसानी को बढ़ाने के लिए हमने ये जो फूड ट्रक है बनाया हुआ है। और मान लीजिए आप रात के एरिया में या इवनिंग के एरिया में अपने पास के दुकान या फिर मतलब पास के एरिया में दुकान लगा रहे हैं आपकी, तो आपको लाइटों की ज़रूरत बिल्कुल ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लाइटें भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक LED स्ट्रिप है, RGB लाइट की LED स्ट्रिप है, और यहाँ पे उसका बटन है, तो यहाँ पे बटन प्रेस करने पर ये RGB लाइट्स बिल्कुल जल उठती है और आपकी गाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत कर देती है। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। फिलहाल तो अभी दिन का समय है तो लाइटें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रही है, लेकिन मान लीजिए आप शाम को कहीं गाड़ी लगा रहे हैं 7-8 बजे तक ये लाइटें जल रही है, तो कितनी अट्रैक्टिव लगेगी आपकी फूड कार्ट और कितने कस्टमर्स को ड्रॉ करेगी अपने पास।
तो वीडियो को खत्म करने से पहले हम गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया हुआ था, इस गाड़ी में आपको लड़ासक बैटरी पैक मिलती है, 48 वोल्ट 120 Ah की बैटरी आ जाती है, जो कि आपको आराम आराम से कुछ है नहीं तो नहीं 80 से 90 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दे देती है। आपको चार्जिंग फुल जीरो से फुल चार्ज करने के लिए लगभग 7 घंटे का समय लग जाता है। और यहाँ पे जो आपकी चार्जर रहती है गाड़ी के साथ वो आ जाती है, उसके ऊपर आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है। मोटर जो है यहाँ पे 48 वोल्ट BLDC 1200 वाट की रहती है, तो आपको अच्छी खासी पावर और टॉर्क भी मिल जाती है। साथ ही साथ अगर मैं गाड़ी की दूसरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जैसे अपने शॉकर की बात करूँ पीछे, तो यहाँ पे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है दोनों पूरे आपके रियर एक्सल में, उसके साथ आपके कॉइल शॉक एब्जॉर्बर्स भी रहता है, तो गाड़ी के ड्राइविंग फील को भी वो अच्छा बना देती है और काफ़ी स्मूथ बना देती है। तो ऐसे ही है कुछ गाड़ी के हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आपको अच्छी लगी हो तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट्स में, हमसे बिल्कुल इंटरेक्ट कीजिए। कोई भी सेल इंक्वायरी हो, कोई प्रोडक्ट इंक्वायरी हो, या फिर ये आपको गाड़ी खरीदना है, तो डू लेट अस नो। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमको कॉल कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमको फॉलो कर दीजिए, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, ताकि हम हमेशा अपडेटेड रहें हमारी लेटेस्ट गाड़ियों की लॉन्चेस के बारे में। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी बिल्कुल हमको कमेंट्स में लिखकर बताइए, और क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन हम इसमें कर सकते हैं आप हमें ज़रूर बताइए। वी आर ओपन टू सजेशन। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हुआ है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।